आज उसी टॉपिक को हम दोबारा से आगे बढ़ाएंगे। चल रहा था बहुपद के शून्य ज्ञात करना था। हमने आपको तीन चार प्रश्न बताए थे बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए। आज उसी में अगला प्रश्न है, आपको दिया है बहुपद का शून्य ही ज्ञात करना है। पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, जो पी एक्स का मान दिया है वो दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। और कह रहा है यक्स बराबर जो वैल्यू दिया है रखने के लिए, यक्स बराबर जो वैल्यू दिया है इसने रखने के लिए वो दिया है जीरो। यक्स बराबर क्या रखने के लिए, जीरो। तो जब यक्स का मान जीरो दिया ही है तो हम लिखेंगे यहाँ यक्स बराबर क्या रखने पर, शून्य रखने पर। यक्स बराबर क्या रखने पर, शून्य रखने पर, तो हो जाएगा पी बराबर पी के, जहाँ पी है और यक्स के स्थान पर हम शून्य रखेंगे तो ये हो जाएगा शून्य, और यहाँ भी हो जाएगा शून्य का स्क्वायर। और जब हम जानते हैं कि शून्य का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। जब पी यक्स का मान क्या आ गया, शून्य आ गया है, तो अतः हम ये कहेंगे अतः पी यक्स का यक्स बराबर जीरो एक शून्य है। पी यक्स बराबर जीरो रखने पर यक्स का क्या है, एक शून्य है। अर्थात अगर हमने इस बहुपद में पी यक्स बराबर यक्स स्क्वायर रख दिया है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है और एक्स का मान कह रहा था जीरो रखने पर, ज्ञात कीजिए कि जो दिया गया बहुपद है वो शून्य का है कि नहीं है। तो हमने ज्ञात किया इसका क्या है, ये शून्य है। इसी क्रम में अगला प्रश्न जो हमारा है उसको हम देखते हैं। इस प्रकार सारे प्रश्न हैं, आप करिएगा। एक दो प्रश्न आपको छोड़ दिए जा रहे हैं प्रश्नावली को, उनको आप स्वयं हल करेंगे। हल करने के बाद आप बताएंगे, आप हल करेंगे। अगर आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया है तो करिएगा। एक प्रश्न मैं और अंडर रूट का है उसको बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि बच्चों को रूट का थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो उसको मैं बता दे रहा हूँ जो रूट का है। इसका अगला प्रश्न, एक प्रश्न मैं आपको छोड़ रहा हूँ इसके जस्ट बाद वाला, लेकिन इसके अंतिम प्रश्न मैं इस प्रश्नावली का बता दे रहा हूँ आपको। इसको थोड़ा रूट है इसलिए बच्चे थोड़ा डरते हैं रूट से कि रूट में क्या रखेंगे। पी एक्स बराबर दिया है आपको यक्स स्क्वायर माइनस वन, पी एक्स बराबर दिया है यक्स स्क्वायर माइनस वन, और यक्स का जो मान कह रहा है, यक्स का जो मान कह रहा है माइनस वन अपान रूट थ्री रखना है एक बार, और एक बार रखना है टू अपान रूट थ्री रखना है। एक बार क्या रखना है, टू अपान रूट थ्री। थोड़ा जब रूट लग जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि रूट कैसे सॉल्व करेंगे, सर अभी तक कोई प्रश्न रूट का बताया नहीं। और तो ये है अंतिम प्रश्न है इसका, प्रश्न का ये अंतिम प्रश्न है और ये रूट में वैल्यू रखना है इसका। देखिए तो हम रखेंगे कि यक्स बराबर जो पहला मान रखना है माइनस वन अपान रूट थ्री रखना है। यक्स बराबर क्या रखना है, माइनस वन अपान रूट थ्री रखना है। तो रखने पर हो जाएगा यक्स के स्थान पर हम क्या रखेंगे, माइनस वन अपान रूट थ्री। तो जो पी हो जाए, पी यक्स के स्थान पे माइनस वन अपान रूट थ्री हो जाएगा बराबर यक्स स्क्वायर का मतलब माइनस वन अपान रूट थ्री माइनस का वन। ठीक है, अब देखिए जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर दिया था माइनस वन अपान रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो वन अपान थ्री माइनस वन हो जाएगा। अगर इसको आप एक बटे तीन में से एक घटा लेंगे तो ऐसे तो घटेगा नहीं, एलसीएम लिया जाएगा, क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा, यहाँ वन माइनस थ्री, यानी कि क्या आएगा, माइनस टू अपॉन थ्री आएगा। पी एक्स का मान जो है शून्य के बराबर नहीं आ रहा है। यक्स का मान जो है माइनस वन अपॉन रूट थ्री रखने पर हमारा पी एक्स की वैल्यू शून्य नहीं आ रही आता है। इसका एक ये क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। अगला इसका जो है, इसमें हम रखने पर एक शून्य, इस प्रश्न को देखेंगे, हमने एक त्रुटि कर दिया था। यहाँ दिया है प्रश्न में थ्री एक्स स्क्वायर, क्या दिया है, थ्री एक्स स्क्वायर, तो हमने थ्री एक्स स्क्वायर लिखना भूल गए थे। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं क्या करना। अब देखिए अगर हम ये रखेंगे p माइनस वन अपान रूट थ्री हो गया है और ये हो जाएगा थ्री इंटू वन अपान थ्री माइनस वन। अब इसको थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, वन माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया था, क्वेश्चन में हमने क्या रख दिया था, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख दिए थे, यहाँ क्या था, थ्री एक्स स्क्वायर था, इतना थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी तो उसको सुधार लेंगे हम। तो ये देखिए पी एक्स का मान क्या आ गया, जीरो आता लिखेंगे, आता यक्स बराबर माइनस वन अपान रूट थ्री बहुपद का
एक शून्य है, ठीक है ना। अगला हमें रखना है 2/√3। अगला हमें क्या रखना है, 2/√3 रखना है। तो देखिए जब हम 2/√3 रखते हैं तो क्या शून्य होता है कि नहीं होता है। जब हम इसमें 2/√3 रखेंगे, x बराबर क्या लिखने पर, 2/√3 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, 2/√3 रखने पर, x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 2/√3 रखेंगे। तो देखिए जब हम x के स्थान में इस बहुपद में 2/√3 रखते हैं तो क्या होता है, देखिए हम पाएंगे यहाँ कि p x के स्थान पे 2/√3 बराबर 3 है और 2/√3 का होल स्क्वायर है माइनस का 1 है। अब देखिए यहाँ यहाँ हो जाएगा 3, लेकिन जब हम इसका क्या करेंगे, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है माइनस का 1। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो हमें जो पी एक्स का मान मिला है वो 0 नहीं मिला, इसमें हमें देखिए पी एक्स का जो मान है वो क्या नहीं मिला, 0 नहीं मिला, क्या मिला, एक संख्या मिली है, एक वास्तविक संख्या मिली है हमें। एक वास्तविक संख्या मिलने से हमारा जो होगा ये इसका शून्यक नहीं होगा, यानी कि पी का जब हमने मान 2/√3 रखा तो जो बहुपद है वो 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। तो ये देखिए इसका लिखेंगे यक्स बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है, ये बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 2.2 का अंतिम प्रश्न है, ज्ञात करना है आपको दिए गए बहुपद का। अभी तक आपको शून्यक दिया रहता था, रखने के बाद आप निकालते थे कि शून्यक है कि नहीं, अब आपको शून्यक नहीं दिया रहेगा, आपको बहुपद ही दिया रहेगा। अब बताना है आपको बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो देखिए चलिए अगला जो प्रश्न है, लिखा है कि सभी प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 4, प्रत्येक प्रश्न नंबर है 4 और यही प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, इसमें कई प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ये है कि दिए गए बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अभी तक तो हमें बहुपद का शून्यक दिया रहता था, एक चर का मान दिया रहता था, उसको बहुपद में रखने पर अगर बहुपद का मान शून्य होता था तो उसका शून्यक है, अगर बहुपद का मान शून्य नहीं होता था तो वो शून्यक नहीं है। अब हमें बहुपद दिया गया है और इसका शून्यक ज्ञात करना है। जैसे पहला दिया है पी एक्स बराबर, पहला ही प्रश्न है, पी एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस 5 दिया है, पी एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस 5, तो इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं शून्यक के लिए क्या जानते हैं, प्रतिबंध। शून्यक के लिए हमने आपको एक प्रतिबंध पढ़ाया है, शून्यक के लिए क्या होना चाहिए कि पी एक्स का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यदि पी एक्स का मान शून्य हो जाएगा, यदि पी एक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, तो उसका शून्यक है, ठीक है ना, और नहीं होगा तो नहीं। अगले प्रश्न में अभी हम जस्ट इससे पहले पढ़ाए थे आपको, तो यहाँ देखिए जो पी एक्स का मान है यानी कि एक्स प्लस 5 है, पी एक्स का मान क्या है, एक्स प्लस 5 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तो अगर इससे हम एक्स का मान निकाल लेंगे, एक्स बराबर माइनस 5, एक्स बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस 5, यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। देखिए दूसरा दिया है इसी प्रकार जस्ट दूसरा प्रश्न है इसका, कि आपको दिया है पी एक्स बराबर दिया है, क्या दिया है, एक्स माइनस 5, पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स माइनस 5, और कह रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं शून्यक के लिए हमें प्रतिबंध पता है, क्या है, पी एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए पी एक्स क्या है, पी एक्स के स्थान पे हम ऊपर से रख लेंगे बहुपद का मान क्या दिया है, एक्स माइनस 5 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा, और एक्स बराबर क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, यही इसका क्या है आंसर है। समझ में आई बात। अगला इसका जो प्रश्न है, पी एक्स बराबर दिया है 2x + 5, अगला प्रश्न है कि पी एक्स बराबर दिया है 2x + 5, पी एक्स बराबर दिया है, अगला प्रश्न है तीसरा, पी एक्स बराबर दिया है 2x + 5
फाइव, आप लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करना होता है आपको कि जो शून्यक है उसको पी एक्स को किसके बराबर दिखाना होता है, जीरो के बराबर। पी एक्स को किसके बराबर दिखाना होता है, जीरो के बराबर। यहाँ से पहले ऊपर से पी एक्स का मान लिख लेंगे, तो पी एक्स का मान ऊपर से क्या है, टू एक्स प्लस फाइव है, टू एक्स प्लस फाइव बराबर किसके हो जाएगा, ये जीरो के। अगर इससे हम टू एक्स का मान निकालेंगे तो ये पाँच इधर प्लस में है, पाँचांतर करेंगे तो ये माइनस पाँच हो जाएगा। अगर इससे हम यक्स का मान निकालें तो माइनस पाँच बटे, यहाँ देखिए यक्स इधर बराबर के इस पार गुड़े में है और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि यक्स का मान जो निकल के आया क्या निकल के आया, माइनस पाँच बटे दो आ गया। यक्स का मान क्या आ गया, माइनस पाँच बटे दो। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि चौथा प्रश्न है, पी एक्स बराबर दिया है थ्री एक्स माइनस टू। चौथा प्रश्न पी एक्स बराबर आपको दिया है थ्री एक्स माइनस का टू दिया है, तो इसके लिए हम लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, या शून्यक के लिए। शून्यक के लिए क्या होना चाहिए, पी एक्स का जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। जब पी एक्स का मान जीरो के बराबर होगा तो ऊपर से हम पी एक्स का मान लिख लेते हैं, पी एक्स का मान प्रश्न में दिया होता है, पी एक्स बराबर क्या दिया है, थ्री एक्स माइनस टू दिया है, थ्री एक्स माइनस का टू दिया है। जब थ्री एक्स माइनस टू बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के, तो थ्री एक्स बराबर किसके हो जाएगा, दो के हो जाएगा। और एक्स बराबर क्या निकल के आएगा हमारा, एक्स बराबर आ जाएगा दो बटे तीन, यानी कि जो शून्यक मिला हमें क्या मिला, दो बटे तीन मिला। अगला आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पी एक्स बराबर थ्री एक्स दिया है, पी एक्स बराबर क्या दिया है, थ्री एक्स दिया है। पी एक्स बराबर आपको अगला प्रश्न चौथा था ये, अब इसके बाद पांचवा प्रश्न है, पी एक्स बराबर आपको दिया है, पी एक्स बराबर दिया है थ्री एक्स आपको दिया है, पी एक्स बराबर क्या दिया है, थ्री एक्स दिया है। तो हम जानते हैं शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्य के लिए हम क्या करेंगे, शून्य के लिए पी एक्स का जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के। तो यहाँ हो जाएगा थ्री एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो अपान थ्री बराबर ये किसके हो जाएगा, जीरो के, एक्स बराबर क्या आ गया, जीरो। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, इसी में अगला प्रश्न है, पी एक्स बराबर दिया है ए एक्स दिया है, पी एक्स बराबर क्या दिया है, ए एक्स दिया है, पी एक्स बराबर क्या दिया है, पी एक्स बराबर दिया है ए एक्स दिया है, ठीक है ना। और कह रहा है ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। और ये पांचवा था, ये छठवां प्रश्न है, और ये सातवां प्रश्न, आप पी एक्स का जो मान दिया है वो दिया है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, इसको आप करेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला वीडियो आपको मिलेगा अगली प्रश्नावली के लिए, तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से वीडियो देखते रहें और समझते रहें, जहां ना समझ में आए व्हाट्सएप के माध्यम से पूछते रहें या फ़ोन करके पूछते रहें।